हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूस किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ फेमस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी, क्रिस्पी मसाला डोसा। पहले हम डोसा राइस लेंगे 1.5 ग्लास। वन ग्लास उड़द दाल, 1/2 कप चना दाल, 1/4 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून मूंग दाल, 1/2 कप पोहा, और इसको पानी में भिंगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट पानी में भिंगोकर छोड़ने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब वापस से इसमें पानी भर के कम 6 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ दें। 6 घंटे जब हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए तो इसे मिक्सी कर लेंगे। कुछ इस तरह रेडी हो जाएगा हमारा मिक्सी किया हुआ बैटर। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के मिक्स कर लेंगे और ओवरनाइट इसे छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। अब देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छी तरह फूल गया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। डोसा बनाने के लिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी थिन होनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें पानी डालकर इसे पतला कर लूँगी। अब मसाले का प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, साथ में 1 टेबलस्पून राई डालेंगे। जब राई अच्छी तरह फूट जाए फिर उसमें 1 टेबलस्पून चना दाल, ग्रीन चिली और करी लीव्स डाल देंगे। फिर इसमें एक मीडियम साइज कटा हुआ अनियन डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब अनियन थोड़ा पिंक हो जाए फिर उसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद थोड़ी देर और उसे पकाएंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड 1/4 टेबल स्पून चिली पाउडर डालेंगे। उसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। अब इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का आलू बॉईल करके डाला है। आलू को मैश करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब डोसा बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए डोसा पैन लेंगे, उसे बहुत तेज़ आंच पे गर्म कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लेंगे। अब 1 स्पून बैटर लेंगे और उसे बिल्कुल मिडिल में डालेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज उसे फैलाते जाएंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 1 क्यूब बटर का डाल देंगे और इसे कम आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। बटर जब मेल्ट हो जाए तो उसे अच्छी तरह डोसे पे फैला देंगे। और याद रहे आंच बिल्कुल ही कम रखना है जब तक ब्राउन कलर ना दिखे आपको। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पोडी पाउडर डालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ अच्छा ब्राउन कलर आ गया है डोसे का। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, बिल्कुल बीच में मसाला डालना है। अब डोसा को एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने फोल्ड किया है आप भी वैसे ही फोल्ड करें। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे सांभर और नारियल चटनी के साथ सर्व करें।